वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिद्धार्थ आर्यन और इस टाइम मैं हूँ श्री राम जी के नगरी अयोध्या में। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा राम के पीढ़ी में सेलिब्रेट करने वाली दीपोत्सव और उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको राम जन्मभूमि और कई सारे मंदिर हैं। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो मेरे चैनल में प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना देरी किए चलो चलते हैं घूमने अयोध्या। अयोध्या पहुंच गया है। ये रहा अयोध्या स्टेशन में, पर वो ग्रांड सा स्टेशन बन रहा है। ये जो पुराना स्टेशन है वो स्टेशन बन रहा है, शायद जनवरी तक बन के रेडी हो जाएगा। मेरा ट्रेन 2 घंटा लेट है, मैं जाता हूँ कुछ रूम ढूंढता हूँ फिर जाता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा राम का पीढ़ी में दीपोत्सव। तो स्टेशन से बाहर ही आते ही यहाँ पर रामायण चल रहा है। यही है अयोध्या की खूबसूरती। ये श्री राम धर्मशाला, ये पूरा स्टेशन का लाइक 500 मीटर का अंदर ही है। और मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ मेरा रूम ऐसा कुछ है। रूम एरिया है और ये मेरा रूम है ऐसा कुछ अंदर से दिखता है। छोटा सा रूम है लेकिन हाँ फेस्टिवल टाइम में अभी 600 रुपीज़ में है और गर्मी के लिए। अयोध्या उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी शहर है, यहाँ पहुँचना बहुत ईजी है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन है और नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो लखनऊ में है, और जैसे गोरखपुर लखनऊ नज़दीकी शहरों से यहाँ बस भी चालू है। पहले मैं जो जा रहा हूँ श्री राम जी के मंदिर श्री राम जन्मभूमि में, और दिवाली के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और कुछ मंडप जैसा भी बना है, जो गेट बना है ये तो रहता नहीं है। ये एरिया को काफ़ी डेवलपमेंट किया गया है क्योंकि मंदिर जनवरी में ओपन हो जाएगा। एंट्रेंस मैं अंदर जाता हूँ, अगर कैमरा मेरे ख्याल से अलाउ नहीं होगा, अलाउ होगा तो मैं दिखाता हूँ, नहीं तो फिर मैं आके बाहर आपको सारी जानकारी बताता हूँ। चलिए मंदिर का अंदर। जय श्री राम। बहुत खतरनाक है। ये देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है श्री राम जन्मभूमि पथ। अंदर जा आपको बताते हैं। पीछे लॉकर रूम है, यहाँ पर आपको सारे चीज़ मोबाइल वॉच बेल्ट सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर आप जा सकते हैं राम जी के मंदिर। मैं सारे चीज़ डिपॉजिट करता हूँ, भगवान जी के दर्शन करता हूँ, फिर आपको आप उसको बताता हूँ। अभी मैं मंदिर के बाहर आया, भगवान जी का दर्शन हो गया। मंदिर काफ़ी छोटा सा था, पीछे जो है ग्रांड मंदिर बन रहा है और दर्शन करने के लिए 1 घंटा लग गया क्योंकि यहाँ पर लॉकर में सारे सामान डिपॉजिट करके फिर इस वाले गेट से मैंने अंदर गया था और यहाँ से बाहर आया। काश मैं आपको उसे दिखा सकता था लेकिन कैमरा मोबाइल कुछ अलाउ नहीं, आपको यहाँ पर ही आके वो महसूस लेना पड़ेगा। तो अभी जो नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ हनुमान गढ़ी पहुँचता हूँ, वहाँ फिर आपको मैं दिखाता हूँ भगवान जी को। गढ़ी जाने के रास्ता में आपको ये काफ्ता का ये मूर्ति देखने मिलेगा। ये दुर्गा माँ यहाँ पर ये
काफ़ी सारी प्रसाद दुकान, ज्वेलरीज दुकान, बाकी खाने पीने का दुकान भी है। और ये एरिया भी पूरा डेवलपमेंट किया जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर जो जनवरी में ओपन हो जाएगा उसके लिए पूरा एरिया तोड़ ताड़ के पूरा डेवलप किया जा रहा है। पूरा घर तोड़ के नई रास्ता बनाया जा रहा है। ये देखिए रास्ता तो बन गया, लेकिन यहाँ पर ये फुटपाथ बनाया जाएगा। देखिए मंदिर से थोड़े ही आगे आ रहा था मैं, हनुमानगढ़ी जाने के रास्ते में मुझे ये मिल गया दशरथ महल। दशरथ जो है श्री राम जी के पिता, उनके परिवार के साथ यहाँ रहते। जाता हूँ फिर दिखाता हूँ अंदर का चीज। यहाँ का एंट्रेंस दिवाली के लिए पूरा लाइटों से सजाई दिया गया है। ये राजा दशरथ की महल। महल जाने के बाद मुझे पता चला उसके पास में ही है कनक भवन। मैं वहां पहुंचता हूं फिर दिखाता हूं तो मैं कनक भवन के अंदर। ये रहा कनक भवन का एंट्रेंस। कनक भवन वो है जब श्री राम और माता सीता शादी करके आए थे तो उनको गिफ्ट में माता कैकेयी ने कनक भवन दिया था। तो उसके बाद श्री राम जी और माता सीता यहाँ रहते हैं। कनक भवन का अंदर सीताराम सीताराम।
फाइनली आ पहुंचा मैं हनुमानगढ़ी मंदिर में। ये रहा मेरे सामने हनुमानगढ़ी मंदिर, मैं अंदर जाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। बजरंग बली बोलो बजरंग बली की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ये रहा बजरंग बली के मंदिर।
हूँ राम की पीढ़ी में। राम की पीढ़ी को लग के ही है सरयू नदी, वहाँ पर हर रोज 6 बजे आरती होती है। मैं आपको दिखाता हूँ सरयू नदी की आरती, फिर दिखाता हूँ राम की पीढ़ी। वो नदी है जहाँ पर जब राम श्री राम 14 साल वनवास काट के आए थे तो सरयू नदी किनारे उनकी स्वागत किया गया था। श्री राम जी और लक्ष्मण जी और माता सीता को यहाँ स्वागत किया गया था। उस दिन से सरयू नदी में हर रोज आरती होती है। राम का पीढ़ी परसों बहुत सारा यहाँ पर दिया लगाया गया था, दीप उत्सव मनाया गया था। आज तो दिया नहीं लगाया गया, लेकिन ये लाइट है, ये सब सारे चीज़ परमानेंट लग गया है। ये हर दिन आपको यहाँ पर रामायण चलेगा ये बड़ी वाली स्क्रीन में, और कितना सुंदर प्यारा लग रहा है ये प्लेस। ये सब भी परमानेंट फिक्स किया गया है, लाइटिंग फाउंटेन और ये जो प्रोजेक्टर है ये परमानेंटली लगा हुआ है। देखिए ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है सामने, वो स्क्रीन में रामायण प्रोजेक्ट होगा। और ये फाउंटेन, सारे फाउंटेन भी परमानेंटली लगाया गया है। ये राम के पीढ़ी में वो जो है परमानेंट ब्रिज है, और ऐसे बीच बीच में दीप उत्सव के लिए टेम्परेरी ब्रिज भी बनाया गया है। और ये फाउंटेन, परसों का दिन यहाँ पर 21 लाख दिया जलाए थे। श्री सरयू मंदिर, मंदिर दर्शन हो गया और अभी बज रहे हैं रात के 9। चलो चलते हैं, कुछ डिनर करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा है, यहाँ पर जाता हूँ मैं, देखते हैं क्या खाना मिलता है। मैंने ऑर्डर किया वेज थाली जो 70 रुपीज़ चार्ज करते हैं लोग, काफ़ी अच्छा है। 2 सब्जी है, दाल है, पिकल है, चार रोटी और राइस है। मैं इसका इन्जॉय करता हूँ। करते बजट के बारे में, आपको अयोध्या घूमने के लिए खर्चा कितना आएगा? आप पूरी अयोध्या एक दिन में घूम सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगेगा, क्योंकि सारे मंदिर राम की पीढ़ी आसपास में है। और अकोमोडेशन की बात करें तो आपको लाइक 400-500-600-1000 रुपीज़ मैक्सिमम लगेगा। यहाँ कोई बड़ा होटल या ऐसा कुछ नहीं, आपको धर्मशाला, गेस्ट हाउस, ऐसे सारे चीज़ मिल जाएगा। और त्यौहार के टाइम पर आएंगे तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जैसे मैं दिवाली में आया मेरे को पे करना पड़ता है 600 रुपीज़ मेरे रूम के लिए। मैं आपको दिखा दूंगा मेरा रूम। और बात करें तो कोई मेस्लिन रेस्टोरेंट और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है ही नहीं यहाँ। रोड साइड में जो छोटे छोटे ढाबा रहते हैं वही है, वह भी 60-70 रुपीज़ आपको मैक्सिमम एक मील का खर्चा ही आएगा। अयोध्या घूमने के लिए आपको ऑटो या टोटो वो भी सारी डेस्टिनेशन 10-20 रुपया में आपको पहुँचा देता है। सो लाइक पर पर्सन आप अगर 2 दिन के लिए आ रहे, 1500-2000 मैक्सिमम आपका खर्चा होगा, उससे ज़्यादा खर्चा होगा नहीं अयोध्या में।